हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू द ओलंपिक स्टोरी। आप लोगों का स्वागत है इन द ओलंपिक स्टोरी पावर्ड बाय स्पोर्ट्स अड्डा। और वेल आज हमारी कहानी में हम दंगल लड़ेंगे। यस, एक ऐसी कहानी है ये जो बहुत ही सुनहरी रही है भारत की रेसलिंग के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसने हमेशा हमारी उम्मीदों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जहां पे भी हमारे को लगता है मेडल नहीं आने वाला, मगर हमारे जो कुश्तीबाज है वो हमेशा हमेशा बाजी मारते हैं और कमाल करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही कमाल के एथलीट हैं, रेसलर हैं, जिन्होंने भारत का झंडा कहां कहां नहीं फहराया है और कहां कहां नहीं गाड़ा है। तो वेल मैं ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ पद्मश्री, खेल रत्न, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2012 के ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ 2010 और 14 के गोल्ड मेडलिस्ट और भारत के तीसरे रेसलर, मेल रेसलर जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज इनका बहुत ही बड़ा स्वागत किया जाए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं योगेश्वर दत्त जी। नमस्कार योगेश्वर जी, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गर्व की बात है कि आप हमारे शो पे आए एंड हम आपसे बात कर रहे हैं आज। तो वेल इमीडिएटली शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपके क्या हाल है, आपके परिवार के क्या हाल है इस पूरे माहौल में? बिल्कुल अच्छे हैं, पूरा परिवार ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी इस कोरोना महामारी के दौर में ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए और अभी भी कोरोना गया नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप योगेश्वर जी, क्योंकि जैसे जैसे ध्यान हटेगा दुर्घटना घट सकती है, तो वेल उसका हम सब लोग ध्यान रख ही रहे हैं। तो योगेश्वर जी शुरुआत करते हैं कि आप बहुत ही एक कम उम्र से रेसलिंग में आए, आपने देश का नाम बहुत रोशन किया, बहुत सालों तक आप खेले, अब आप एक ऐसे मुकाम पे हैं अपनी जिंदगी में जब आप रिटायर हो चुके हैं एक हद तक, आप इतना खेल नहीं रहे, इतने एक्टिव नहीं है, तो ये जो जिंदगी का फेज है ये कैसा है, आपका नया रोल कैसा है? देखिए बिल्कुल, मैंने 7 साल की उम्र से कुश्ती स्टार्ट की। देश के लिए मैं 4 ओलंपिक मैंने खेले हैं, 2004 का, 8 का, 12 का और 16 का। और भगवान के आशीर्वाद से लंदन ओलंपिक में मेरे को मेडल ही मिला। फिलहाल मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ गोहाना के पास में, और हमारा यही मकसद और यही टारगेट है कि हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले, उसी से गोल्ड मिले, उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। जिस तरीके से जो चीज़ें मैंने कुश्ती में देखी, अपने कुश्ती कैरियर में सीखी, जिन चीज़ों का अभाव देखा, मैं चाहता हूँ कि अब वो अभाव ना रहे और हिंदुस्तान ज़्यादा मेडल जीते। कमाल है, कमाल है। और ऑफ कोर्स ऐसी ही जो योगदान होते हैं योगेश्वर जी, वही देश का तिरंगा लहराते हैं ऊंचाइयों पे। तो योगेश्वर जी अगर हम बात करें यू नो कुश्ती की, कुश्ती एक जिसे कहते हैं हमारे देश में काफ़ी डोमिनेंट स्पोर्ट रहा है। ये शुरुआत ऑफ कोर्स केडी जाधव जी से हुई जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हेलसिंकी में 1952 में, और उसके बाद से जिसे कहते हैं कि एक बहुत यू नो जोश और कमाल की हमने पूरी योगदान दिया कुश्ती में, पूरा देश इसके पीछे जिसे कहते हैं अवेयरनेस बढ़ गई, जागरूकता बढ़ गई और लोग कुश्ती को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है हमारे खिलाड़ियों को, स्पेशली फैसिलिटीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया? तो कुश्ती तो हमारा प्राचीन खेल है, महाभारत काल से, रामायण काल से। पहले तो राजा महाराजाओं का भी टाइम में कुश्ती दंगल होते थे, सभी राजा महाराजा के पास पहलवान रखते थे और कुश्तियों से ही फैसला होता था, मलयुद्ध। और आज के टाइम में हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो कुश्ती का बहुत बड़ा एक कुश्ती का हब बन चुका है हरिद्वार, क्योंकि लगातार 2008, 12 और 16 3 ओलंपिक में मेडल मिले हैं कुश्ती हिंदुस्तान को। सबसे पहला इंडिविजुअल मेडल आया था 1952 में केडी जाधव जी का, साकरबा जाधव जी का ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद काफ़ी लंबा समय लगा कुश्ती में मेडल आने में, और लगातार 3 ओलंपिक में हमने मेडल जीते हैं, हिंदुस्तान को मेडल दिए हैं। उम्मीद है इस ओलंपिक में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो योगेश्वर जी, सीधा सीधा जैसे टीम के बारे में बात करें, हमारे 7 रेसलर इस बारी टोक्यो 20 ओलंपिक्स में पहुंचे हैं और सारे के सारे जो हैं वो फ्री स्टाइल कैटेगरी में लड़ेंगे। इनमें से जो 6 हैं वो पहली बार ओलंपिक्स में उतरेंगे कुश्ती लड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि डेब्यू जब ओलंपिक्स में एक कुश्तीबाज करता है तो उसकी मानसिकता, उसकी जो ओवरऑल एक प्रेशर है, या वो खुद एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक यंग खिलाड़ी है, यूथ खिलाड़ी, तो वो उस चीज में किस हिसाब से वो इस चीज को झेलता है और किस हिसाब से इस चीज से उभरता है ताकि वो कॉम्पिटिशन में बिल्कुल एकाग्रता से कर सके। देखिए ओलंपिक, हर मेरा वो मानना कि मैं 4 ओलंपिक खेला हूँ जी, पूरा हमारा भारतीय दल, एक कुश्ती की बात नहीं, पूरा दल की बात कर रहा हूँ जितने हमारे ओलंपिक में गए थे, लगभग 127 खिलाड़ी हमारे गए थे, सभी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अच्छा प्रदर्शन भी किया सभी ने। तो ओलंपिक का जो प्रेशर, जो दबाव होता है वो बिल्कुल हर टूर्नामेंट से अलग होता है। मैं खुद 4 ओलंपिक खेला हूँ और इस प्रेशर में प्रदर्शन करना बहुत अहम है, बहुत मायने रखता है। और इसमें ओलंपिक पुराने ओलंपिक चैंपियन आते हैं, वर्ल्ड चैंपियन आते हैं, नए नए बच्चे निकल के आते हैं, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। जो इसको हैंडल करता है वो मेडल तक पहुंचता है। हमारे अभी आपके किसी शूटिंग में देखिए या तीरंदाजी में देखिए कितना अच्छे है, उनकी रैंकिंग थी, बड़े अच्छा प्रदर्शन भी था, पर ओलंपिक में कोई किसी कारणवश वो नहीं कर पाए और वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। पर ये खेल का हिस्सा है, हार जीत चलती रहती है। अब तो आप ऑफकोर्स बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, आप एक ऑलमोस्ट एक जिसे कहते हैं कि एक कोच है, एक मेंटोर है, और वो सारी आपके अब नए नए जिसे कहते हैं रोल आ गए हैं। मगर अगर एक खिलाड़ी के तौर पे आपसे पूछो, आपने कैसे हैंडल किया प्रेशर जब आपने डेब्यू किया ओलंपिक्स का? देखिए प्रेशर पूरा होता था और हमेशा ये था कि लगभग 130 करोड़ हिंदुस्तानी की नजर हम पे है, उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरना है। बात एक ओलंपिक की नहीं है, बात एशियन गेम्स की भी है, बात पूरा गेम्स की भी है, ओलंपिक पे सबकी निगाह होती है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला होता है, वो सभी की निगाह होती है। हम मेडिटेशन भी करते थे और हमेशा यही रहता था कि जैसा हम और टूर्नामेंट में प्रदर्शन करते हैं, फ्री माइंड से खेलते हैं, ऐसा ही ओलंपिक में भी खेले, प्रेशर ना ले, पर फिर भी घूम फिर के वो प्रेशर आ ही जाता है, वो हमारे आपके हमारे हाथ में नहीं है वो। पर प्रेशर में उसमें उस दबाव में अच्छा प्रदर्शन हमें कैसे करना है, जब मैच पे जाते हैं उसके बाद कुछ भी माइंड में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, वो चीज़ मायने रखती है। आज ही चलती रहती है, ये नहीं है कि अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव है तो हम जरूरी नहीं है कि हमें हमारे जो हम सोचते वो तरीके का हमें प्रेरणा मिलेगा, पर हमें खेलना अपना प्रदर्शन बिल्कुल खुल के करना चाहिए, बिना दबाव के करना चाहिए। तो वेल ऑफ कोर्स आपकी यही एडवाइस रहेगी हमारे कंटिंजेंट को। कंटिंजेंट पे अगर हम एक थोड़ी सी नजर डालें, योगेश्वर जी, सीमा बिस्ला है जो 50 किलो की कैटेगरी में लड़ेंगी, विनेश फोगाट है 53 केजी, अंशु मलिक है 57 केजी, सोनम मलिक है 62 केजी, रवि कुमार दहिया 57 केजी, बजरंग पुनिया 65 केजी और दीपक पुनिया 86 केजी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा योगेश्वर जी, हमारे जो बजरंग पुनिया हैं और विनेश फोगाट हैं। अब बजरंग पुनिया जी की अगर हम बात करें, 65 केजी में वो लड़ रहे हैं, आज की तारीख में उनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 है और वो अर्जुना अवार्डी के लिए उनको ऑलरेडी जिसे कहते हैं कि उनको मिल चुका है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने कमाल किया है। और सिमिलरली विनेश फोगाट, विनेश फोगाट आज की तारीख में वर्ल्ड नंबर 1 है। तो इन दोनों पे खासा जो एक प्रेशर है योगेश्वर जी, वो बहुत ज्यादा होगा प्रिटी मच। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप आई एम श्योर इन दोनों को करीब से जानते हैं, आई एम श्योर आपने इनको बहुत से दावपेच सिखाए होंगे, आपने इनसे बातचीत करी होगी, तो आपको क्या लग रहा है किस हिसाब से ये लोग उतरेंगे? देखिए हमें कुश्ती से 3 मेडल की उम्मीद है, ठीक है,
और सबसे ज्यादा विनेश फोगाट है, बजरंग है, रवि दहिया है, रवि दहिया भी बड़ा अच्छा किया है, और दीपक पुनिया ने भी बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल जूनियर है, वर्ल्ड का भी सिल्वर मेडलिस्ट है, और अंशु मलिक और सोनम मलिक ये बिल्कुल नहीं बच्चे हैं, 18-18 साल की भी नहीं हुई है शायद, 18 साल की बिल्कुल नहीं है, इनके पास बहुत लंबा समय है हिंदुस्तान कुश्ती को देने के लिए, इसलिए खासकर इन तीनों से ये है कि बिना दबाव के, बिना कुछ सोच के समझे, ये जो हमारे नए बच्चे हैं खुल के खेलिए, और जितना फ्री माइंड से कि खुल के खेलोगे इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं ये, अगर ये दबाव में आएंगे तो प्रेशर, वो दबाव हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नए बच्चे हैं। आप बॉक्सिंग में देखे, जैसे बॉक्सिंग में ये अभी लड़की लवलीना सेमीफाइनल में पहुंची है, वो बिल्कुल फ्री माइंड से उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, उसने अपने ऊपर प्रेशर ही नहीं लिया, इसलिए हमारे पास, हमें कुश्ती की मैं बात करूँ तो कुश्ती में तीन मेडल की उम्मीद है हमें, ठीक है, तीनों गोल्ड होंगे योगेश्वर जी? नहीं नहीं, गोल्ड की मैं बस मेडल की मैं बात करता हूँ, और सबसे दो गोल्ड की मैं बिल्कुल, जो गोल्ड की सबसे बड़ी दावेदार है वो विनेश फोगाट है। ओके ओके, अगर पर हम ये है कि तीनों जो हमारे हैं लड़के लड़के में लगे, तीन मेडल की उम्मीद है, और वो ये तीनों तो है ही नहीं कि अलग कोई और भी होल्ड फिर कर सकता है, वो चाहे दीपक पुनिया हो, चाहे अंशु मलिक हो, सोनम मलिक हो, सीमा हो, ये और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये अच्छा इन्होंने दिया भी है, और सोनम मलिक जो है वो तो साक्षी मलिक की जगह सिलेक्ट हुई है, करेक्ट, खुद साक्षी मलिक ओलंपिक मेडलिस्ट है 2016 रियो ओलंपिक, कमाल किया था वैसे, सच बताऊं योगेश्वर जी, साक्षी ने पिछले ओलंपिक्स में कमाल किया था, उम्मीद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे को मेडल आएगा, और साक्षी मलिक ने जिसे कहते हैं कि दरवाजा तोड़ के, मैं वही बताता हूँ कि कमाल लिया ये लड़कियां का, ये कमाल कोई अलग भी नया बच्चा भी कमाल कर सकता है, जैसे साक्षी मलिक ने किया था, हमसे सबसे ज्यादा उम्मीद हमसे थी, हमसे हम वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, वो प्रदर्शन हमारा नहीं रहा, पर साक्षी मलिक का बेहतर प्रदर्शन था, ठीक है, जिस तरीके से हमने लंदन ओलंपिक में प्रदर्शन किया था, मैं था, सुशील था, तो मेरा मेडल आया था जी, उस तरीके से रियो में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, और खिलाड़ी का दिन होता है, सही बात, जितने भी हमारे खिलाड़ी, बोलूंगा कि भगवान से हर रोज एक प्रार्थना जरूर करें कि जब हम मैच पे उतरे तो वो दिन हमारे हमारा हो, और उस दिन को अपना बनाने की कोशिश करें, उस दिन तब चलता है, शरीर चलता है, खिलाड़ी चलता है, तो उसके सामने कोई ओलंपिक, पुराना ओलंपिक चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, नहीं रुक पाता, इस वर्ल्ड की बात है, ओलंपिक में भी बहुत से ओलंपिक, पुराने ओलंपिक हारे होंगे, वर्ल्ड चैंपियन भी हारे हैं और आने वाले में रहे हैं, आज अभी मैंने मैच देख के अभी आया हूँ, हमारे लड़कियों का हॉकी, अरे कमाल कर दिया, लेखन बड़ा अच्छा खेली 1-0 पे, लास्ट तक उनके चेहरे पे कोई शिकन, कोई थकान, कुछ भी नहीं था, इतिहास बना गए योगेश्वर जी आज तो हम लोग, हाँ लड़के साहब हमारे हॉकी के बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, वो एक सोच, एक कुछ करने का जज्बा है, जो पहली बार लड़के सेमीफाइनल में पहुंची है, 40 साल बाद लड़के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नई दिशा देती है, पीवी सिंधु का हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है, आ गया है ओलंपिक मेडल, मीराबाई चानू का आ गया है, आज तीन मेडल हमारे पक्के, तो दो तो आ चुके हैं, लवलीना का मेडल पक्का है, अब ये मैं तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि वो फाइनल खेले और देश के लिए गोल्ड जीते, पर मेडल तो पक्का है, तीनों लड़कियों ने जीते हैं, अभी कुश्ती के बच्चे हैं, कुश्ती में उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा है, और मेरा मानना है कि कुश्ती में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और हमें जैसे 2016-12 ओलंपिक में दो मेडल जीते थे, ऐसे ही आप 2-3 मेडल भी हम कर सकते हैं, पर मेरा खिलाड़ी है कि दबाव में ना आए, प्रेशर ना ले, 130 करोड़ लोगों की प्रार्थना, लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है, कमाल है। योगेश्वर जी, आपने जैसे कहा कि तीन मेडल्स की हमारे को उम्मीद है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये आपसे आपसे बेहतर ये कोई बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि शायद आपने कम्युनिकेट भी किया होगा, लोगों से बातचीत भी आपकी चल रही होगी, आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि कैंप्स कैसे रहे गेम शुरू होने से पहले, तो मैं इमीडिएटली आपसे पूछना चाहूँगा कि किस वजह से आपका जो ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोग तीन तो जीतेंगे, तो मैं उस पर थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा अगर आप रोशनी डालें। देखिए पहले तो मैं आप तो एक रैंकिंग की बात हुई थी, मैं रैंकिंग मैटर नहीं करती, अब 65 kg में लगाओ या विनेश के वेट में लगाओ, जो जापानी है किसी भी वेट में लगाओ, जापानी पहलवान कोई रैंकिंग है ही नहीं जी, इसलिए रैंकिंग पर ध्यान ना देके हमें, और जो जैसे हमारे जो लड़के हैं उनकी रैंकिंग नहीं है इतनी अच्छी,
उस पर ध्यान ना दे के अपना अच्छा करने की कोशिश करें, 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि जापानी बहुत कम टूर्नामेंट खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एशिया चैंपियनशिप के लिए, इसलिए उनकी वो इस रैंकिंग में है ही नहीं, पर उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है। विनेश के वेट में लड़की वो भी बड़ी अच्छी है, विनेश को जहां तक मेरे लगता है बस एक उससे ही थोड़ा खतरा है, एक पूरे है, क्योंकि मैंने जो देखी है पूरे 16 लड़कियों में विनेश एक बस वो ही थोड़े 20 है, नहीं तो विनेश हर लड़की से चढ़ गई, अगर उससे बचती है विनेश तो शायद फाइनल खेले। बिल्कुल ऐसे ही 65 kg में जो जापानी है वर्ल्ड चैंपियन है, एशिया चैंपियन है, 57 kg में भी रवि के वेट में भी ऐसे ही है, बड़ा अच्छा है वो पहलवान भी, पर शायद रवि ने दो पानी को हराया हुआ है जी। इसलिए इनका तो हमारे खिलाड़ियों का जो स्टेमिना है ना वो बहुत अच्छा है, उसमें सभी सातों के सातों का हिंदुस्तान पहलवानों में एक चीज बड़ी अच्छी है कि स्टेमिना बहुत अच्छा है, 6 मिनट तक कुश्ती लगातार एक ही स्पीड में कुश्ती लड़ने का जो जज्बा है, जो तरीका है, वो बहुत मायने रखता है। और ऐसे इस टाइम में क्योंकि अब तो तकरीबन फाइनल तक तो एक ही दिन कुश्ती होती है, फाइनल अगले दिन होती है, उसी दिन और 4-5 कुश्ती लड़ने के जो ताकत है वो हमारे में मेरा जो मानना है और उससे अच्छी है। और जो इनकी सुधार हुआ है टेक्निक पे, अभी पीछे टूर्नामेंट खेले उसका भी फायदा मिलेगा इनको, सबको लगातार टूर्नामेंट खेलने अनुभव मिलता है उससे, और बाहर भी ट्रेनिंग की, इसलिए मेरे को ये लगता है कि इस बार कुश्ती से और ज्यादा बेहतर। परफेक्ट। तो अब मैं अगर आपसे जैसे थोड़ा सा तकनीक के बारे में या थोड़ा सा अगर हम इसमें थोड़ी गहराई में उतरे, जैसे अगर हम आपने बात करी बजरंग, विनेश, रवि, अगर हम इन तीनों के एथलीट्स के अलग अलग बात करें तो मेरा सवाल ये है आपसे योगेश्वर जी, जितना भी मुझे जानकारी है थोड़ा बहुत, वो ये है कि एक इंसान जब एक कॉम्बैट स्पोर्ट में उतरता है, जैसे रेसलिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया, जो भी कुछ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो गया, तो उसमें मानसिकता मेरे हिसाब से 80% रोल खेलती है, 20% तुम्हारी टेक्निक और फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इन तीनों की बात करें तो क्या टेक्निक सुपीरियर होने की वजह से क्या वो पॉइंट स्कोरिंग पे जाएंगे, या वो भावुक होके कोशिश करेंगे कि मैं डोमिनेट करूं परफॉर्मेंस को, या स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी बदलती रहेगी इन तीनों की, क्योंकि ऑब्वियसली फिराक मेडल की। देखिए अब उनकी जो टेक्निक वो तो उनके कोचिज हैं उस हिसाब से वो टूर्नामेंट लड़ेंगे जो साथ में उनके कोच हैं, पर जो मेरा मानना है कि मेरा ये मानना है कि तीनों को जो इनकी स्टाइल है लड़ने की मेंटली तो स्ट्रॉन्ग है तीनों, क्योंकि ओलंपिक पर तीनों के सातों हमारे बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग है और आत्मविश्वास से भी भरे हुए हैं, और यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, ओलंपिक के बस 16 पहलवान है एक वेट में पूरी दुनिया से, इसलिए हर तरीके से उस चीज की बात नहीं करते। पर जब आप कुश्ती लड़ने की बात करते हो, चैन करने की बात करते हो, तो मेरा ये मानना है कि एक तो पहलवान के हिसाब से अपने आप को चैन करते हैं, अगला पहलवान किस तरीके का है, कहाँ वो अटैक लगाता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा खुद का मानना है खिलाड़ी का अलग होता है कि अपनी स्टाइल अपना लड़ने का तरीका चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरीका चेंज करने का नहीं है ना, ये कोई नई एक्सपेरिमेंट करने का ये टाइम है, ओलंपिक है ये, मैं तो जिस चीज यहाँ तक जिस चीज से हम पहुंचे हैं उसी पे ध्यान देना, उसी पे ज्यादा फोकस करना, अपने आप को संतुलित रखना, अपने दिमाग को एक जगह एकाग्र करना, पूरा ध्यान कुश्ती पे रखना, विपक्षी पहलवान की क्या कमजोरी है, मैं कैसे उसे उस पे अटैक करके उससे पॉइंट ले सकता हूँ, उसका क्या मैन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, और बचने का तरीका यह है कि वहां तक उस पहलवान को पहुंचने ना दो उस दाव तक, अगर वो वहां तक पहुंचता है तो वो 100% अपना काम पूरा करेगा और पॉइंट स्कोर करेगा, क्योंकि जिसकी तो टेक्निक होती है वो वहां से नंबर लेता ही है, बहुत कम चांस होते हैं कि वहां से वो पॉइंट ना ले, उसमें मैं भी आया, सभी जितने कोई भी खिलाड़ी हो
जब उसकी टेक्निक पे आता है तो वो नंबर 100% लेता है, 99% लेता है, 100% तो नहीं कह सकते, 99% चांस होता है कि वो वहां से पॉइंट स्कोर करेगा। इसलिए अपना अपने लड़ने के तरीके को ना बदलें। विपक्षी पैरिश के साथ कुश्ती होगी जो अभी ड्रॉ पे नहीं डले हैं, वो उसका क्या मेन पॉइंट है उससे बताओ, बहुत जरूरी। समझ गया। तो स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से हर प्लेयर, जैसे आपने कहा योगेश्वर जी और भरी, बिल्कुल सटीक बात कही आपने कि स्ट्रैटेजी इतनी होनी चाहिए कि आपने ठीक ठाक रिसर्च कर ली है अपने ओपोनेंट की, आप समझ गए हैं कि उनकी पॉजिटिव क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और अपने पॉजिटिव्स को आप उनकी वीकनेस पे कैसे हावी करें और उनको धराशाही करें। तो विनेश की, अगर विनेश की बात करें, योगेश्वर जी आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा, हर खिलाड़ी के साथ होता है कि अगर अनफॉर्चुनेट सी बात हुई जो हुआ पिछली बारी रियो में, कि विनेश को क्वार्टर फाइनल में जिस हिसाब से इंजरी हो गई और बहुत बहुत जिसे कहते हैं दिल तोड़ने वाली बात थी, तो ऑफकोर्स अब तो काफी समय निकल चुका है उस चीज का और वो रिकवर, हाँ पूरी तरह रिकवर हो गई है, पूरी तरह फिट है, बहुत अच्छा खेल रही है, मगर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि अरे यार इंजरी का आई होप कुछ ऐसा ना हो, या कुछ एक मेंटल फैक्टर उनके दिमाग में या कुछ चल रहा है ऐसा ना हो कि अरे यार एक बार ही हो चुका है, आई होप ऐसा ना फिर ऐसा हो या कुछ ऐसा ना हो। 1% वो चीजें रहती है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं दोनों पैरों के जी, वो चीजें थोड़ी सी दिमाग में रहती है। पर विनेश ने जिस तरीके से जो ओलंपिक मेडल जीतने की जो भूख है विनेश की, वो उसको जिस तरीके से उसने वापसी की है, और आज मैंने उसकी मतलब अभी पिछले टूर्नामेंट में काफी कुछ देखी, उसमें चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, उसकी जो ताकत बढ़ी है नी के ऑपरेशन के बाद, जो उसने अपने स्ट्रेंथ बढ़ाई है, जो ताकत बढ़ी है उसमें, वो एक अलग चीज है, वो लाजवाब है। उसके 53 में वो खेलती है और तगड़ी है, वो ताकतवर मेरे ख्याल में सबसे ताकतवर है विनेश। ओके। और उसने जो मेन चीज वो जो उसका फोकस है वो ओलंपिक, और ताकत जो उसकी बड़ी है इंडोरेंस, जो इंडोरेंस स्टेमिना जो बड़ा उसका, वो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। फैबुलस। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो भी उनका कोचिंग स्टाफ है योगेश्वर जी, जो भी उनकी पूरी टीम है जो साथ में उनकी जुटी हुई है, वो खिलाड़ी को पूरी तरह उन्होंने मैनेज करके तैयार किया है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि इनकरेजिंग बात है कि वो इस वक्त जब उतरेंगी तो 100% पे उतरेंगी, विच इज अमेजिंग। मगर मेडल के लिए, क्योंकि पिछले ओलंपिक के बाद उन्होंने सिर्फ मेडल के लिए मेहनत की है और वो मेडल के लिए लड़ेगी, बस ओलंपिक ओलंपिक को अपने दिमाग में ना बैठाए कि ओलंपिक का कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अपना जैसे प्रदर्शन पहले किया एशियन गेम्स में किया, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया, वो टूर्नामेंट में किया, ऐसे ही प्रदर्शन करे 100% मेडल है और उसका वर्ल्ड भी हो। कमाल है। रवि कुमार जो है उसके बारे में भी क्या आपको लगता है कि एक जिसे कहते हैं सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं, या सबको सडनली वो यू नो अचंभित कर दें? कुछ बोलता रहे रवि, सरप्राइज फैक्टर नहीं है। ओके। रवि ने पहले अपनी प्रतिभा दिखाई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है, एशिया चैंपियन बना है जी, उसने काफी टूर्नामेंट खेले हैं वहां पे, उसने अपने आप को योग्य साबित किया है, मेडल का दावेदार बना है। कुश्ती का सबसे ज्यादा कुश्ती से निकले हुए, कुश्ती की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, तो हमने पहलवानी कुश्ती देखी है, उसकी जो एक सबसे जो ज्यादा फायदा रवि को इसको मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा उसकी हाइट का, क्योंकि मेरा मानना है कि 57 के जिनमें उसे हाइट के हिसाब से लंबा कोई नहीं है, सबसे लंबा हुआ रवि कुमार। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। हाँ, जो उसका डिफेंस करने का तरीका है, जो अटैक जो लेग अटैक करके वो नंबर लेता है, वो बहुत वो है, और उसके अभी पीछे जितने टूर्नामेंट हुए हैं उसने हर पहलवान, जापानी पहलवान को भी उसने हराया है, रशियन के साथ भी उसकी अच्छी कुश्ती हुई है, इसलिए वो मेडल का दावेदार है। वो कोई अगर मेडल उसका आता है तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि भाई ये कैसे कमाल कर दिया, वो वाते है मेडल की दौड़ में, मेडल जीतने का दम है उसमें, कमाल है। और आपने बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ जरूर बोला योगेश्वर जी कि हाइट से रीच और डिस्टेंस आदमी बहुत जल्दी कवर करता है, स्पेशली जब वो
डबल लेग के लिए शूट करे या सिंगल लेग के लिए शूट करे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक जरूर आपसे सवाल पूछूंगा योगेश्वर जी, अब आप एक ऐसे रोल में हैं जब आप अपनी खुद की एकेडमी रन कर रहे हैं, आप यंगस्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं, युवा खिलाड़ियों को, तो क्या आपको लगता है कि आप अपना एक्सपीरियंस आगे बढ़ते हुए भारतीय जैसा ये हमारा दल गया है ओलंपिक्स का या एशियन चैंपियनशिप में जाएंगे अगले साल, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं अगले साल, तो क्या अपना आप रोल देखते हैं अब कि एज अ मेंटोर आप शायद उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखा पाए, चाहे छोटी छोटी बातें हो मगर उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा? देखिए बिल्कुल हमसे तो अभी होगा क्योंकि हम तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान हर जगह ज़्यादा मेडल जीते, खेल में एक महाशक्ति के रूप में उभरे, जैसे यूके है, चाइना है, रशिया है, ऐसे ही हमारे देश की भी गिनती हो खेलों में जी। हम एक मेडल के लिए ना तरसे, जिस दिन भी हर दिन हमारे तीन तीन चार चार पांच पांच दस दस मेडल आए, जैसे और देश हो जाते हैं विश्व के टॉप टेन देशों में, और हमसे जो भी होगा हम वो करेंगे, वो चाहे किसी भी तरीके की मदद की बात हो, और मदद भी है, हम किसी की मदद नहीं करते, ये हम खुद की करते हैं, एक देश के लिए हमारा फर्ज बनता है कि देश आगे बढ़े, देश के लिए हमें कुछ करें, अगर हमने जन्म लिया है, देश ने हमको इतना कुछ दिया है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे दें। कमाल है योगेश्वर जी, यही जज्बा है जो हमारे तिरंगे को बुलंदियों पे लेके आएगा। तो वेल योगेश्वर जी, अब समय आ चुका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे जो पूरा पूरा ओलंपिक कंटिंजेंट है उनके लिए एक मैसेज, और स्पेशली जो आपका आपके दिल से बहुत करीब है रेसलिंग कंटिंजेंट के लिए, एक मैसेज जरूर दें। देखिए मेरा सभी हमारे पहलवानों के लिए ये मैसेज है, ये आग्रह है कि ओलंपिक में आप मेडल के दावेदार हो, सबसे बड़े दावेदार हो, खुल के खेलो, और ये खेलो, ये सोच के खेलो कि खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है पाना हमें, प्रेशर में मत रहिए, आप मेडल के पक्के दावेदार हो, मेडल जीत के आओगे, आपसे तगड़ा कोई नहीं है, दबाव में ना खेलें, अपना जैसे पहले 100% दिया है एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ऐसे यहाँ भी अपना 100% दो, आप मेडल के साथ आओगे, और पूरे हिंदुस्तान को आप पे गर्व है, नाज है, आप अपना अपनी परफॉर्मेंस को जैसे पहले दिया कि दीजिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, ये चलती रहती है, पर आप अपनी तरफ से जी जान लगा दीजिए। कमाल है, थैंक यू सो मच योगेश्वर जी, आपका आपके जो भी आज जो हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई, बहुत सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर जितने खिलाड़ी हैं वो जब ये देखेंगे तो काफ़ी प्रेरित होंगे और उस जज्बे के साथ खेलेंगे, और जैसे कहा जाता है ना योगेश्वर जी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बिल्कुल बिल्कुल, और जितनी टेंशन हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा टेंशन विदेशी पहलवानों के पास भी होती, क्योंकि सब हमारे पहलवान सभी पहलवानों को हरा चुके हैं। सही बात, हाँ, दबाव प्रेशर में आने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, खुले दिल से, खुले जज्बे से, और एक खुले आसमान के नीचे जब लड़ेगा एक खिलाड़ी, तो जरूर है कि वो मेडल लाएगा, कमाल करेगा, देश को, देश का नाम रोशन करेगा, एंड ऑफकोर्स इसी जज्बे के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे द ओलंपिक स्टोरी पावर्ड बाय स्पोर्ट्स अड्डा में, क्योंकि यही जो जज्बा है वो हमारे को हर रोज एक कमाल की कहानी दे जाता है। तो वेल, टिल वी मीट अगेन, जैसे मैं हर बारी कहता हूँ, प्लीज अपने और अपने परिवार का आप ध्यान रखें, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो जरूर करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसा जैब है जिससे दर्द नहीं होती, एंड ऑफकोर्स योगेश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप आप ने जैसे कमाल किया है, ऊंचाइयों को छुआ है, अब इस नए मुकाम में, इस नए रोल में आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ें। थैंक यू।